पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए वी डी सावरकर, वॉर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ठीक है। आर सी मजूमदार का भी ठीक है, लेकिन सी हमारा ठीक नहीं है। राधा कमल मुखर्जी का अवध इन रिवॉल्ट नहीं है, अवध इन रिवॉल्ट लिखी थी रुद्रांशु मुखर्जी ने। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि इनमें से जो सही नहीं वही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, दूसरा नंबर कहता है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए, उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो देखिए बंगाल, पंजाब और सिंध में, तीन जगह नहीं बना था। बंगाल और पंजाब हमें दिए हुए हैं ऑप्शन तीन नंबर और चार नंबर पे, तो तीन और चार हमारा ऑप्शन बनेंगे और इस तरह से बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न का तीन कहता है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष में से कौन था? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आपको यदि लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है या वो गलत है तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वैसे हमारी कोशिश है कि 100% आपको आंसर सही बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर कहता है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे आपको आंसर बताने की कोशिश करते हैं ताकि वीडियो शॉर्ट हो सके। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। तो बच्चे ने आंसर लिखा हुआ है, इनफैक्ट बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में बनी थी, उसके बाद 38 में बनी है लैंड होल्डर सोसाइटी। तो कालानुक्रम की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या बना 1836 में, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, फिर उसके बाद दो नंबर, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है आपका, राइट ए होगा। लैंड होल्डर सोसाइटी जो बनाई थी, द्वारिकानाथ टैगोर ने बनाई थी 1838 में। तो ये कई बार पूछ लेता है एक्स्ट्रा फैक्ट, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं। प्रश्न संख्या छः, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता, तो आंतरिक अशांति ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो 58वां संशोधन था, 1987 में जो हुआ था, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या आठ क्या कहता है, निम्नलिखित से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए पंचायत भारतीय भाग नौ में आते हैं, नगर पालिकाएँ भाग नौ का में है, उसके बाद सहकारी समितियाँ भाग नौ खा में है, लेकिन अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स ये जो हैं भाग दस में नहीं आते। ये आर्टिकल 323 ए और बी के तहत आते हैं, ए एंड बी। और अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स को हमने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद सम्मिलित किया था, तो इस पर भी सवाल आ सकता है, इसलिए एडिशनल फैक्ट हमने आपको बता दिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? हाँ होगा, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा कहता है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे? तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है और सातवीं अनुसूची दी है, सातवीं अनुसूची में क्या है हमारा, आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं और सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। तो पहले का ए का तीन हो जाएगा और बी का हो जाएगा एक, ए का तीन बी का एक, कौन सा ऑप्शन में दिया है, ए का तीन बी का एक, ऑप्शन ए में भी दिया है और किसी में दिया है क्या, सी में भी दिया है, नहीं कोई बात नहीं, तो बी तो नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, बी और डी और ए और सी बचते हैं आपके। अपना भी अनुसूची में देखिए क्या है, दसवीं दल बदल दिया होता है का प्रावधान है, तो डी का दो हो जाएगा, तो डी का दो होते ही ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी थी? तो ये था आपका आठवीं पंचवर्षीय परियोजना, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्तीय मंत्री करते हैं यानी कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और केंद्र की राज्य राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कहता है, जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की दहली निर्धारण भी करेगी, ये भी ठीक है। लेकिन तीसरा कहता है, राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें? नहीं, वैट उगाही का कोई विकल्प नहीं होगा, तो ऑप्शन थर्ड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो ये 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है उस समय के हिसाब से तो ये उत्तर प्रदेश ही था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब आप कमेंट करके बताइए कि फिलहाल कौन है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, सूची एक है और सूची दो में कुछ वर्ष दिए हुए हैं, तो एक को दो से मिलाना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये ठीक है कि स्वर्ण जयंती हमारी जो आज़ादी की मनाई गई थी 1997 में मनाई गई थी, तो ये 97 में होना चाहिए, तो ए का वन होना चाहिए। सॉरी, पहले जो योजना आई थी वो आई थी शहरी रोजगार योजना, तो बी का वन होना चाहिए। तो बी का वन है आपका बी और डी, बी और सी में, तो ए आपका आंसर नहीं हो सकता, डी आपका आंसर नहीं हो सकता, डी आपका आंसर नहीं हो सकता। और बी और सी बचते हैं आपके, तो जवाहर रोजगार योजना ये कब शुरू हुई थी आपकी? 1989 में शुरू हुई थी जवाहर रोजगार योजना। तो सी का दो होना चाहिए, तो सी का दो है आपका ये, इसका मतलब सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सी। प्रश्न संख्या 15, निम्न से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो देखिए, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी स्पष्ट करती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्न से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विलायत खान आपके सितार वादक हैं, ठीक है, अल्लाह रखा तबला वादक हैं, ये जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन जो कि ताजमहल टी के एड एड में देखे जाते हैं, उनके फादर हैं अल्लाह रखा, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दिया। हरिप्रसाद चौरसिया ये भी बांसुरी वादक हैं, ठीक है, लेकिन अमजद अली खान जो हैं ये सरोद वादक हैं और ये पखावत से ताल्लुक़ नहीं रखते, लिंक नहीं रखते, और इनके दो बेटे आयान अली खां और अमान अली खां भी सरोद वादक हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 18 कहता है किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2001 में शुरू की गई थी, और दूसरा क्या कहता है, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समानुकूल साख प्रदान करती है। तो दूसरा तो सही है, पहला सही है क्या? नहीं, पहला सही नहीं है, क्योंकि यह 1998 में शुरू हुई थी, ठीक है, तो ऑप्शन बी केवल सही है, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 19, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग कितना? 14 करोड़ हेक्टेयर, तो ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? तो ये होती है मृत्तिका, ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था, बिल्कुल ठीक है, और बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सॉरी स्टेटमेंट ए सही है। स्टेटमेंट टू क्या कहता है, ये केवल कृषि कार्यों के लिए साख की सुविधा प्रदान करती है, नहीं है कृषि के लिए नहीं, बल्कि और कई मदों में भी ये योगदान करती है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। प्रश्न संख्या 22, करनाल बंट रोग है किसका? गेहूं का रोग होता है, तो ऑप्शन बी है। गेहूं रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है कमेंट करके आप बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन सही आंसर देते हैं। 23 नंबर देखिए, इनमें से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? पादप पोषक तत्व दिए हैं, उसके बाद उनका कार्य दिया, तो नाइट्रोजन का काम क्या होता है? वृद्धि और विकास होता है। नाइट्रोजन का काम को कोई प्रोटीन फॉर्मेशन करती है, तो पहले तो बिल्कुल सही है। फॉस्फोरस जड़ का विकास करता है। पोटेशियम जो है आपका स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने में हेल्प करता है, नियंत्रण करता है। और बोरोन जो है वो रोग प्रतिरोधकता से संबंधित नहीं है। बोरोन का काम क्या है? नोड्यूल्स का बनना, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जिनके अंदर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है, और वो उसके बाद प्रोटीन सॉरी नाइट्रोजन सिंथेसिस करता है, ठीक है, फिक्सेशन करता है, तो उसमें जो है उन गांठों के बनने में बोरोन का रोल होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखिए, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं किसके द्वारा? सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, सेबी अधिनियम पारित हुआ था 1992 में, सेबी है क्या? SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी कहलाता है। 1992 में बना था ये, शेयर मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे टेलीकॉम के लिए होती है रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऐसे ही शेयर मार्केट के लिए सबसे पहले 1992 में बनी थी। वहाँ पे एक घोटाला हो गया था बहुत बड़ा, जिसमें हर्षद मेहता जो है वो मुख्य अभियुक्त थे, उसके बाद सेबी का गठन किया गया था। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 26 सीखे कहता है, कूट एक और सॉरी सूची एक और सूची दो दी हुई हैं, और इनमें जो है आपको कुछ टैक्स टाइप के दिए हुए हैं, और उनका मिलान करना है कि वो किससे संबंधित है। कैपिटल गेन टैक्स किससे संबंधित होता है? संपत्ति विक्रय से संबंधित होता है। ए का 4 हो जाना चाहिए। उसके बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहाँ पे लगती है? फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर, तो दो बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद कस्टम ड्यूटी कहाँ लगती है? आयात पे लगती है, तो सी का 3 ही रहेगा। और कॉरपोरेट टैक्स जो है वो इंडिविजुअल आय सॉरी कंपनी के
आई पे लगते हैं तो डी का एक हो जाएगा। तो 4 2 3 1 आपका आंसर होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में कौन से हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए में है, सॉरी हाँ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये मेरठ में उत्तर प्रदेश में, और कृषि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये राजस्थान में नहीं है बल्कि ये है आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप इसको नोट करके रखिए। और आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तेलंगाना में, ये ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। 28 नंबर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग उद्यम विकास अधिनियम MSMED पारित हुआ कब, ये 2006 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लघु निर्माण उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जब ये 2016 में पेपर हुआ था उस समय थी 10 लाख रुपए से ऊपर, परंतु 25 लाख से अधिक नहीं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिलहाल क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संख्या 30 में फिर से सुमेलित देखना है कौन सुमेलित है और कौन नहीं है। तो देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 18.5 नहीं, ये 16.5 है, लगभग 16.5%। तो पहला ही आपका आंसर बनेगा, बाकी सब कुछ सुमेलित है। प्रश्न संख्या 31 में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये तो उत्तर प्रदेश के अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 32, कथन ए और बी दो दिए हैं, सॉरी दो कथन दिए हुए हैं। और पहला कहता है भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांश अपरिवर्तित रहती है। तो सिर्फ पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। तो उसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी। यस, तो सी आपका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्या कहता है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ था कब, प्रभावकारी हुआ ये 1883 में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे भी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 34 कहता है 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। तो आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट है। और 35 कहता है फिर से पक्षी विहार दिए हैं और स्थान दिए हैं, इनमें से सुमिलित कौन सा नहीं है। समस्तपुर रायबरेली में है लेकिन नवाबगंज उन्नाव में है, तो ये इलाहाबाद आपका करेक्ट नहीं है, आपका आंसर यही बनेगा। बाकी सब कुछ करेक्ट है और आप इसको याद कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, दोनों ही हॉट टॉपिक यूपी के एग्जाम्स के लिए। प्रश्न संख्या 36, पार्थिव एयर पदछाप के माप की इकाई क्या है। तो ये भूमंडलीय हेक्टेयर है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर उसके बाद 37 नंबर कहता है कथन दिए हुए हैं दो, कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है ये देख करके आंसर करना है। तो कथन पहला कहता है भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, कारण इसका वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो ए और बी दोनों सही हैं और ए जो है आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 कहता है निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये है कर्नाटका में, कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद बेटला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है झारखंड में, झारखंड, ठीक है। उसके बाद बचता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोगामल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे, तो ये आपका है गुवाहाटी, सॉरी गुगावट्टी महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, जनसंख्या 2011 के अनुसार में से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो उत्तर प्रदेश का कितना है जी, केरल का तो 859 है, 859, और उत्तर प्रदेश का है 829 या 28 ऐसे कुछ है, ठीक है। बाकी बिहार का तो आपको पता है 1100 से ऊपर, पश्चिम बंगाल का 1000 से ऊपर है। तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कम पूछा है। और प्रश्न संख्या 40, भितरकनिका ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह वंशधारा और स्वर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। और दूसरा कहता है यह पश्चिम बंगाल में स्थित, तो पश्चिम बंगाल में स्थित ये नहीं है और वंशधारा और स्वर्णरेखा नदियों के डेल्टा में भी ये नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, कथन पहला कहता है भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, कारण भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, बिल्कुल ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट हालांकि सही है लेकिन
पहला दूसरे की व्याख्या तो नहीं करता, आर्य सॉरी दूसरा पहले की व्याख्या तो नहीं करता, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रथम संख्या 42 कहता है, निम्नलिखित राज्यों को 2011 जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के आरोही सॉरी अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए, केरल, मिजोरम, गोवा और तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है वो है गोवा में, यह लगभग 62%, 62 पॉइंट समथिंग, ओके। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो 48 पॉइंट समथिंग आएगा, 48.4। अगर मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में 52 पॉइंट समथिंग है, 52.11। और अगर हम बात करें केरल की तो यहाँ पे 47.7 है, 47.7 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा गोवा, उसके बाद मिज़ोरम, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरल। तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हुआ था, सेंसस के अकॉर्डिंग हुआ था, वो था अप्रोक्सीमेटली 31.16, ठीक है, लगभग 31% का टोटल अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे भी सूची एक को सूची दो से मिलाना है और कोड से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में, तो पहले का 4, ए का 4 होना चाहिए, ओके। देन दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, बी का 3 होना चाहिए, नोक्रेक मिजोरम में होना चाहिए, होल्ड ऑन, दोबारा से सिमलीपाल उड़ीसा, ए का 4, दिहांग दिबांग ये है अरुणाचल प्रदेश, बी का 3, नोक्रेक मेघालय 5, और कोल्ड डेजर्ट ये कहाँ पे है, यह है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी का 1 होगा, तो 1 का 4 4 3 5 1 4 3 5 1 ये ऑर्डर होना चाहिए, तो ये है आपका डी में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई है, तो मुंबई और दिल्ली में हुई है, और यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जो है, लगभग 5 करोड़ की आबादी इन दोनों महानगरों में रहती है आज की डेट में। 45 नंबर, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो 17.31, ऑप्शन पहला ही आपका राइट हो जाएगा। हालांकि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 17.5 होना चाहिए था, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद बाद में डिलीट भी किया था आयोग ने। नेक्स्ट इज 46, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, तो ये था कांचनजंगा, खांगचेंग जोंगा भी कहते हैं इसको, राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, काजीरंगा के साथ आप कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। 47 नंबर, सोलर इंपल्स 2 विमान ने जुलाई 2016 में अपनी विश्व भ्रमण यात्रा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्ण की थी, तो ये पूर्ण की थी अबू धाबी में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 48, सितंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित किया गया था, तो ये था श्रीलंका, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट 49, रियो 2016 के पैरालंपिक में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये थे आपके देवेंद्र झांझरिया और मरियप्पन थंगावेलू, तो ए और सी दोनों सही हैं, और आयोग ने भी इसके आंसर में और ए और सी दोनों सही माने थे, जिसने ए आंसर दिया था वो भी सही माना था और जिसने सी दिया था वो भी सही माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सितंबर 2016 में संपन्न हुए अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने किसको हराया था, तो भारत ने हराया था पाकिस्तान को, सॉरी बांग्लादेश को हराया था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख की प्लस के नगरीय समूह नहीं है, तो ये स्टेट है हमारा उड़ीसा, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न के भवन कहता है, 2016 में घोषित संपोषीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 110वां स्थान था उस समय के हिसाब से, आज के डेट में क्या है 2019 के हिसाब से वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट इज 53, जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए हैं, तो 2016 तक अधिसूचित किए थे 35, लेकिन आज की डेट में ये 37, तो ये नोट कर लेना, एक्स्ट्रा फैक्ट जितने आपको बता रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली। 54 नंबर, देखिए 2016 में मेक इन इंडिया सम्मेलन प्रस्तावित है, कहाँ पर प्रस्तावित था ये, तो ये प्रस्तावित था भुवनेश्वर में, ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट इज 55, सितंबर 2016 में से किन सांसदों ने पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेशन एक्ट
HR 6069 के नाम से जिसको जाना जाता है, शीर्षक बिल पेश किया था। तो ये थे टेडपो एवं डाना रोरा बाखर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने किससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर एक उच्च स्तरीय बैठक की और की? तो ये बैठक संबंधित थी प्रति सूक्ष्म जीवी प्रतिरोध से, एंटीबायोटिक्स से। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट 57, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? तो ये खोला गया था इलाहाबाद में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय सेना ने POK के आतंकवादियों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक किया था 27 सितंबर 2016 को। तो ऑप्शन ए सही है, हालांकि उतना रेलिवेंट सवाल नहीं है क्योंकि उस समय का करंट अफेयर था। 59 देखिए, संघीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अक्टूबर 2016 में यह घोषित किया कि आय घोषणा योजना IDS 2016 के अंतर्गत 30 सितंबर 2016 तक घोषित काला धन है लगभग कितना है? तो ये था 65,250 करोड़ लगभग। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये भी उस समय का करंट अफेयर का सवाल है। प्रश्न के 60, पैरालंपिक के इतिहास में पहली बार रियो ओलंपिक पैरालंपिक 2016 में किस खेल स्पर्धा में भाग लेने के बाद दो भारतीय एक साथ पोडियम पर खड़े हुए? तो ये ऊंची कूद के खिलाड़ी थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, 29 अगस्त 2016 को LEMOA किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ? तो ये एक एग्रीमेंट था इंडिया और USA के बीच में, जिसकी फुल फॉर्म होती है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट 62, ब्लू नाइल नदी में से किस झील से निकलती है? तो ये ताना झील से निकलती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही है। 63 नंबर देखिए, में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये कुछ कार सॉरी पौध निर्माण केंद्र दिए हुए हैं जिनके साथ अमेरिका के कुछ स्टेट्स के नाम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही नहीं है, वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी में जो है कैमडेन दिया है, और कैमडेन बेसिकली न्यू जर्सी नाम के स्टेट में है, फ्लोरिडा में नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 64 नंबर, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम? तो देखिए पश्चिम से क्रम शुरू करेंगे तो हुमुदा सागर पहले, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अल सागर। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। 65 नंबर, कुछ नदियाँ दी हैं और कहाँ पे ये गिर रही हैं, कहाँ पे प्रभावित हो रही हैं वो हमने सुमेलित करना है। तो लीना नदी कहाँ पे गिरती है? लीना होती है साइबेरिया में। तो ये कहाँ पे गिरी होगी? आर्कटिक सागर में। तो एक का तो होगा दो, लेकिन देखिए एक का दो, हाँ वैसे आंसर तो यहीं पर आ जाएगा, एक का दो से ही। ठीक है, बाकी और बता देते हैं आपको। टिग्रिस नदी गिरती है फारस में, ये इसमें कई इराक के मशहूर शहर इस नदी के किनारे पर स्थित हैं, जैसे कि आपका मोसूल हो गया और बगदाद हो गया। माही इंडिया में है तो ये अरब सागर में गिरती है। डी का एक होना चाहिए, सॉरी डी का तीन होना चाहिए। ठीक है, और आमूर जो है वो चाइना और रशिया की सीमा बनाती है, तो वो प्रशांत महासागर में गिरेगी। बी का हो जाएगा 4। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन ए करेक्ट है। 66 देखिए, 2016 में चीन ने मिसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की, जो कि किस टाइप की प्रणाली है? ये क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट है। 67, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? अमेरिका की कुछ सभ्यताएँ दी हुई हैं। तो देखिए सबसे ऊपर होती है एस्टेक, जो कि तकरीबन मैक्सिको में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आती है माया, और इनका आई सबसे बाद में। तो कौन सा आंसर होगा? सी, नहीं नहीं डी सही होगा, मोइस्का आएगी इस बीच। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले एस्टेक, फिर माया, उसके बाद मोइस्का जो कि कोलंबिया में है, उसके बाद इनका जो है उन कोलंबिया से नीचे की तरफ चिली तक आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 68, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 69, करीबा बांध निर्मित है कहाँ पे? जाम्बेजी नदी पर। कहाँ पे जाम्बेजी नदी? यह है जिम्बाब्वे में, अफ्रीका में। नेक्स्ट 70, भारतीय वन संरक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो ये होगा मिजोरम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। 71 कहता है, कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? तो देखिए झारखंड सबसे बड़ा कोयला भंडार रखता है, उसके बाद आता है उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और MP। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 72 नंबर देखिए, प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कारण बताता है इसका, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है।
तो ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 73, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जे ई स्पेंसर एवं डब्ल्यू एल थॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? तो ये हैं 11, ऑप्शन सी आपका सही है। 74, निम्न से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो ये होगा शुद्ध जल, ऑप्शन ए सही है। जैविक से मतलब बायोलॉजिकल वो रिलेशनशिप होनी चाहिए उसकी, तो कोयले की तो रिलेशनशिप होती है, पेट्रोलियम की भी होती है और मछली तो खुद लाइफ है ही है उसमें। तो 75 नंबर देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्न से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो 24.16 है, बट अभी आपको लेटेस्ट 2019 का देखना चाहिए, दिसंबर 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग है 24.56, 24.56, ठीक है। 77वां सवाल देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालम क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। साइलेंट वैली, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट और कान्हा। तो जिम कॉर्बेट तो बना था 1936 में और सबसे पहला नेशनल पार्क कहलाता है हमारा, तो पहले नंबर पर तो ये आ जाएगा। तो दूसरे नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन तो आपका डी राइट हो जाएगा, लेकिन बाकी सबका भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, साइलेंट वैली हमारा बना 1984 में, साइलेंट वैली 1984। और अगर हम काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा बना 1950 में, 1950। और कान्हा नेशनल पार्क ये बना था 1955 में, 1955, ठीक है। तो ये ईयर्स हमने आपको इसलिए बता दी कि नेक्स्ट टाइम ये सवाल अगर पूछा जाए तो आप आंसर कर सकें। आप 78 नंबर देखिए, ये जो है मैथमेटिक्स का सवाल है, तो है तो बहुत आसान। देखिए कैसे करेंगे ट्रिक से, आधा ये है, आधा ये, आधा ये, आधा ये, दो तो हो गया आपका ये। उसके बाद आप करेंगे जोड़ेंगे, एक यहाँ पे पूरा है, 11, एक 12, 12 और 111, 123, 123 और 11 यहाँ से उठा लो तो 134 हो जाएगा। ये 1234 और 236 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 79 में रीजनिंग का सवाल है और आप यहाँ पे देखेंगे तो इस सीरीज़ को पूरा करना है, ए बी डैश डैश ए डैश डैश बी और फिर उसके बाद डैश डैश और सी भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ से उठा करके एक एक लेटर को रखिए, यहाँ गैप में, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, सॉरी ये गैप है और ये गैप है, इस ढंग से आप इसको फिल करेंगे तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे फिट बनेगा। नेक्स्ट इज 80 नंबर, ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित संसाधनों पर विचार कीजिए, जल है, प्राकृतिक गैस है, डीजल है, नाभिकीय है। तो जल का भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिस्थापित क्षमता में उनके प्रतिशत 30 सितंबर 2016 के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में यानी सबसे ज़्यादा वाला सबसे पहले आने चाहिए। तो आप देखिए थर्मल का इस्तेमाल, थर्मल में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? कोयला इस्तेमाल होता है और क्या इस्तेमाल होता है? मोटे तौर पर अगर आप देखो तो जल का योगदान होता है अप्रोक्सीमेटली 22% और नाभिकीय का होता है 3%। और अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस तो इससे चलते हैं थर्मल पावर स्टेशन, इसका सबसे ज़्यादा होता है 65%, इससे और कोयले से मिलाकर दोनों से चलते हैं, ठीक है। तो जल का समझ लो कि सबसे ऊपर अगर हम ले लें तो पहले स्थान पर जल, उसके बाद प्राकृतिक गैस, एक दो, उसके बाद तीन, डीजल से तो बहुत कम पावर स्टेशन चलते हैं, तो एक दो तीन चार, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न के 81 देखिए, डायरेक्शन वाइज सवाल है, शैले से उत्तर की ओर, सपोज यहाँ पे है वो पॉइंट, किसी पॉइंट पे ए पे, जस्ट मोमेंट, ये है कोई पॉइंट ए, यहाँ पे वो अभी है 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, इस तरफ चला गया वो 4 किलोमीटर, और उसके बाद क्या हुआ, वह है बाएँ मुड़ा, तो बाएँ जब भी मुड़ेगा वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो इस तरफ मुड़ जाएगा वो, और 6 किलोमीटर चला, तो 6 किलोमीटर यहाँ वो इस तरफ चला है, पुनः वह दाएँ मुड़ता, जब भी वो दाएँ मुड़ेगा तो क्या करेगा, वो क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाते हुए वो अगर दाएँ मुड़ेगा तो इस तरफ चला गया वो, और 4 किलोमीटर फिर से चला वो, यहाँ पे फिर से 4 किलोमीटर चला, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? तो आप देखिए, इस बिंदु से इस बिंदु को आप ऐसे मिला दीजिए, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से आप मिलाएंगे तो ये लाइन आप देख रहे हैं ऐसे मिल जाएगी, तो वो कितनी दूर हो जाएगा, 4 किलोमीटर ये था, 6 ये था, तो इसको आप ऐसे मिला लो, ठीक है, ये हो गया 6 और ये हो जाएगा कितना, 4 और 4 8, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा ट्राइंगल बनेगा, ये देखिए,
ये था आपका पॉइंट ए जहाँ से वो चला था, ये पॉइंट सी जहाँ वो पहुँचा है, और बीच में कोई पॉइंट आप ले लो बी, ठीक है, ये है 8 और ये है 6। तो किसी समकोण त्रिभुज में जिसमें कि एक भुजा 8 हो दूसरी 6 हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट ये बनेगा, तो ये अगर 8 होगा ये 6 होगा तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 किलोमीटर दूर वो है। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? डी। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं पर रोक देते हैं, बाकी के ऑलमोस्ट कितने 19 और 59 सवाल बचे वो हम दूसरी वीडियो में ले लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।